बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हमारे पास टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 को हम डिस्कस करने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 में, वो कह रहा है कि इन क्वेश्चन को दो मेथड से करो। नंबर वन मेथड है इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड जो है वो क्रैमर रूल। तो हमारे पास क्वेश्चन वन में जो पार्ट है वो 8 पार्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इस सारों को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 से लेकर 6 तक हमारे पास स्टेटमेंट वाले हैं। मैं आपको उसकी वीडियो भी बना के दिखाऊँ, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन वन है इसकी 2 वीडियोज बनेंगी। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक 1 वीडियो कर लेते हैं, इसमें मैं 2 पार्ट्स करूँगा, 2 पार्ट्स आप खुद ट्राई करना। और 5 से लेकर 8 तक मैं 2 पार्ट्स करूँगा, उसमें से भी आप खुद ट्राई कर लेना। तो आज हमारे पास क्या आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, वीडियो नंबर 1 में हमारे पास पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक। तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 जो है वो उसको मैं लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 1 है 2x-2y=4, 3x+2y=6। तो वर्जी हमारे पास है पार्ट 1 एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट नंबर 1। तो इसको हम क्या करते हैं, इन्वर्जन मेथड से करते हैं। पहले इन्वर्जन मेथड तो बस इसको हम इन्वर्जन मेथड से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि हमारे पास जो ये वन को वैल्यू इन्होंने दी हुई है क्वेश्चन की, इन्वर्जन मेथड मैंने क्या बोला 2 तरीके। तो 2 तरीकों से करें, तो सबसे पहले हमें जो इन्होंने ये 2 वैल्यू ये हमें मैट्रिक्स पूरा दिया हुआ है, हमने क्या करना है कि इसको पहले क्या करना है, चेंज द कॉलम और चेंज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इनको तब्दील करना है। तो हमारे पास क्या है कि एक्स अलग कर देना, बी अलग कर देना और ए अलग कर देना। ए हमारे पास इसमें क्या बनेगा, ए हम नाम दे रहे हैं 2, साइन उसी तरह उसके लगने -2, 2। इनमें से एक्स वाई हमने अलग कर दिया, एक्स और वाई। व्यूअर्स यहाँ पे आप सोचे, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सेम एज इट इज चीज बन जाएगी। हमने बस क्या करना है कि एक्स वाई को इसमें निकाल दिया और वो बी उसी तरह इज इक्वल की उसी तरह। तो ये क्या आ गया हमारे पास मैट्रिक्स में आ गए, क्योंकि हमने इन्वर्सन मेथड, मैंने आपको पीछे उसका कंसेप्ट दिया था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, मतलब जो होगा उसका एडजॉइंट। इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा कि ए इनवर्स जिस चीज के बराबर होगा वही हमने करना है, एडजॉइंट ए हमारे पास ए हमने लिया तो वही होगा ए डिटरमिनेंट, तो वही फॉर्मूला लगेगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये हमारे पास एक्स और ये बी, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। अब ए यहाँ पर मल्टीप्लाई वहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बी डिवाइडेड बाई ए, और x इज इक्वल टू ए इनवर्स ये x ये b। अब हमारे पास यहाँ क्या आ गया, ये वाला फॉर्मूला, ये है इन्वर्जन मेथड। ये अब हमारे पास, हमने अभी इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि x की वैल्यू, हमने x के 2 आंसर निकालने से, ये व्यूअर्स तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, b तो हमारे पास है, ये b है लेकिन a इन्वर्जन नहीं है, a की वैल्यू है लेकिन a इन्वर्स नहीं है। मैंने क्या बोला, a इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट a डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ए डिटरमिनेंट, तो मैं ए डिटरमिनेंट निकालता हूँ, ए की वैल्यू लिख लेता हूँ, ये मैट्रिक्स 2, 3, -2 और 2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × -2 − 3 × -2, तो 2 × 4 हो गया −6। हमारे पास क्या आ गया, 10, हमारे पास 10 आ गया, −-10। तो बस इससे आगे हमने क्या करना है कि हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ए, हमें एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट मैंने बोला था कि सर साइन चेंज हो रहा, जगह चेंज, तो 2, 2 तो उसी तरह हो जाएगा क्योंकि एक जैसे हैं, −3 और 2 ये आ गया। अब हमने इसमें वैल्यू सिंपल पुट कर देनी है, फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू लिख लेते हैं 2 − 3 2 2 और मल्टीप्लाई बाय बी, हमारे पास 4 6 डिवाइडेड बाय हमारे पास 10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आज 2 4 4 2 8 + 2 6 12 − 12 + 12 डिवाइडेड बाय 10। हमने इसी को सॉल्व कर लिया, बस मैंने ए इनवर्स की दोनों वैल्यू निकाल लिया, एडजॉइंट भी निकाल लिया और डिटरमिनेंट भी निकाल लिया। फिर मैंने
इसको इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दी जो मैंने यहाँ से बनाया था, ये इनवर्जन मेथड है। अब हमने क्या करना है कि मुझे सिंप्लीफाई हो रहा है तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और हमारे पास आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय क्या है 10 और मैट्रिक उसी तरह। अब ये 10 इनके साथ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर रहे थे 20 डिवाइडेड बाय 10 और 0 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास ये कैंसिलेशन होगी तो 2 हो जाएगा और 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बनता है 2 और 0। तो बस ये था हमारे पास क्या है इन्वर्जन मेथड, ये हमारे पास था इन्वर्जन मेथड। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस इन्वर्जन मेथड की समझ आ चुकी होगी। हमारे पास क्या था कि उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया था, ये वाला पार्ट दिया था, इसको सबसे पहले हमने क्या मैट्रिक्स में चेंज किया, कैसे कि हमने इन दोनों में से एक्स वाई को सिर्फ निकाल लिया। जब एक्स वाई इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2x - 2y और 3x - +2y वही बन रहा है, बी उसी तरह आ गया। फिर हमारे पास ये क्या बने, इसको ए नाम दे दिया, ये एक्स था और ये बी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो यहाँ क्या हो गया डिवाइड, यहाँ पे ऊपर आ जाता है इन्वर्स हो जाता है। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन की, पहले डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट के बाद मैंने ये सॉल्व किया। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आपको इन्वर्जन मेथड बहुत ही इजी तरह समझ आ चुका होगा। इसका हम चौथा पार्ट भी करेंगे इन्वर्जन से, दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करना और तीसरा मैं चौथा पार्ट करूंगा। हमारे पास ये वीडियो 1 है, वीडियो नंबर 2 में हमारे पास क्या होगा कि पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक होगा, पार्ट नंबर 8 तक। उसके बाद हमारे पास उसमें भी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और दोनों तरीकों से। अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ कि क्रैमर रूल से सॉल्व करता हूँ और आंसर हमारे पास यही है चाहिए 2 और 0। तो चले इसको क्रैमर रूल से ट्राई कर लेते हैं, या भी एक काम करते हैं, इसको मैंने इन्वर्जन से कर लिया, दूसरे नंबर पार्ट जो दूसरा पार्ट है उसको मैं क्या करता हूँ क्रैमर से कर लेता हूँ, दूसरे पार्ट को मैं क्रैमर से कर लेता हूँ। तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x + y = 3 एंड 6x + 5y = 1। दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं, इसको मैंने करना है किससे क्रैमर रूल। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ इन्वर्जन मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, अब मैं क्रैमर रूल भी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ जाए। तो व्यूअर्स ये भी हमने सेम एज इट इज करना है, पहले इसको हमने क्या करना है कि इसको मैट्रिक्स में तब्दील कर देना है। तो क्या करेंगे 2, 6 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 5, ठीक है व्यूअर्स। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स और वाई, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 और 1। तो व्यूअर्स ये हमने मैट्रिक्स में बना दिया, उसमें हम क्या करते थे कि इसको ए की कोल रख लेते, इसको एक्स के और इसको बी के, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला कुछ हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए एक्स डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, हमने इन दोनों को डिवाइड करना और ए वाई डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ये हमारे पास क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए ए डिटरमिनेंट, क्योंकि दोनों के साथ ए डिटरमिनेंट, तो मैं पहले ए डिटरमिनेंट निकालूंगा। ए की वैल्यू ये तो मैं लिख लेता हूँ 2, 6 और 1, 5, इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 5 - 6 × 1 = 10 - 6, तो ये आ जाएगा 4। हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, 4 हमारे पास इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था ये आपने याद रखना है, ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है क्रैमर रूल का, ठीक है व्यूअर्स। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हमने पुट करनी है तो हमारे पास तो ए दोनों के आ गए, ये ए हमारे पास आ गया। अब हमें चाहिए ए एक्स, ए एक्स निकालने का तरीका क्या है ये व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ। ए एक्स हमारे पास ये ए की वैल्यू इट्स मीन और ये हमारे पास एक्स है, लेकिन हम इसको नहीं पुट कर सकते, हम ऐसे क्या करते हैं कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो इस की जगह और ये सेम एज इट इज, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। क्या करते हैं 3, 1 को पुट कर लेते हैं इसकी जगह, फर्स्ट कॉलम की जगह सेकेंड कॉलम सेम एज इट इज, ठीक है व्यूअर्स। ये हमारे पास क्या हो गया ए एक्स, अब इसका सेम एज इट इज क्या करना है डिटरमिनेंट 3 × 5 - 1 × 1 तो 15 - 1 = 14, हमारे पास क्या आ गया 14।
अब हमने ए वाई निकालना है, ए वाई हम ऐसे निकालेंगे, ए वाई इज इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा और हम सेकेंड कॉलम की जगह बी की वैल्यू पुट करेंगे, 3 और 1 तो 2 × 1 −6 × 1 तो 2 × 1 6 × 3 सॉरी तो 2 × 1 = 2 −6 × 3 हमारे पास होगा 18 तो ये हमारे पास आते हैं −16 2 × 1 = 2 और हमारे पास 6 × 3 तो बस ये क्या आ गया ए एक्स आ गया और ये क्या आ गया ए वाई आ गया, ये −20 और इसके साथ माइनस ए एक्स आ गया और ए वाई। अब फॉर्मूला क्या था उसी तरह मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट और ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट। इसमें बस सिंपल हमने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है, तो ए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हमारे पास ए वाई की −16 डिवाइडेड बाई 4। अब कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, 2 × 2 = 4 और 2 × 7 और यहाँ पे 4 × 1 = 4 तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास व्यूअर क्या बनता है 7/2 और हमारे पास आता है −4 तो व्यूअर ये हमारे पास क्या था क्रैमर रूल। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास हमने क्या करना है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल हमने किया हमारे पास मैट्रिक्स थे ये वाले, हमने इनमें वैल्यू को हमने पहले इनको मैट्रिक्स में चेंज किया, चेंज करने की वजह क्या थी कि हमें ए एक्स और ए वाई फाइंड करना है। इन्वर्जन का क्या फॉर्मूला है ए इनवर्स और बी, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमें एक्स की दो वैल्यू चेंज है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी और यहाँ पे क्या है हमारे पास ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट और ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, बस ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी याद करने की है। तो हमारे पास इन्वर्जन और क्रैमर रूल दोनों हो गए। अब मैं तो पार्ट नंबर 3 उसको क्या करते हैं इन्वर्जन से करते हैं, पार्ट नंबर 4 को क्या करेंगे क्रैमर से करेंगे। तो आज की वीडियो के एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 तक होगी, जो वीडियो नंबर 2 हमारे पास होगी उसमें हमारे पास 5, 6, 7, 8 पार्ट आ जाएंगे। तो ये सारे पार्ट आपको खुद भी यहाँ पे तो मैं समझा दूंगा सारे पार्ट, लेकिन अब जो पार्ट मैं क्रैमर से कर रहा हूँ वो आप इन्वर्जन से करना और जो पार्ट मैं इन्वर्जन से कर रहा हूँ वो आपसे क्रैमर से करना। उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे, फिर हम अगली वीडियो हर मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है और थोड़े से बड़े क्योंकि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट भी आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। और क्या करने के व्यूअर्स इसकी हम अलग अलग वीडियो कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की भी अलग, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की अलग अलग वीडियो कर लेंगे। तो चलते हैं क्या पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब हमारे पास आता है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है उसको हमें क्या करना है इन्वर्जन से करना है। और हमारे पास पार्ट है 4x + 2 है इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड है 3x − 1 इज इक्वल टू −1। तो जैसे हमने पार्ट नंबर 1 की है वैसे हमें एज़ इट इज़ है, बस हमने क्या करना है कि सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या करना है मैट्रिक्स बना देने 4, 3, 2, −1 एंड हमारे पास एक्स वाई हो जाएगा और एन इज इक्वल टू बी की वैल्यू 8 − 1। अब हमारे पास ये क्या है ए के इक्वल है, ये क्या है बी है और ये हमारे पास सॉरी ये एक्स और ये बी, हमने इससे इन्वर्जन बना देना एक्स इज इक्वल एक्स सॉरी ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स इज इक्वल टू इनवर्स बी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में। अब मुझे क्या चाहिए ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, अब मुझे चाहिए ए डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ए हमारे पास ये है जैसे हम ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल देंगे, ए हमारे पास है 4, 2, 3 −1 इसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 4 × −1 − 3 × 2 = 4
फोर माइनस फोर माइनस थ्री टू सिक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टेन, माइनस टेन आ गया इसका हमारे पास डिटरमिनेंट। अब हमें एडजॉइंट भी चाहिए, एडजॉइंट ए हमारे पास हो जाएगा ये, सॉरी व्यूअर्स जहाँ पे मैंने डिटरमिनेंट की साइन डाल दी थी, मैं डायरेक्ट एडजॉइंट है तो जगह चेंज और साइन चेंज, तो माइनस वन फोर माइनस थ्री माइनस टू। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला ये है, इसमें हमने सिंपल पुट कर देनी है। हमारे पास ए इनवर्स किसके बराबर था, एडजॉइंट मैंने निकाल लिया। अब कहते हैं कि x इज इक्वल टू, ये हम वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फोर, और b हमारे पास है एट माइनस वन, इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास टेन माइनस टेन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन होगी माइनस माइनस एट प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो टू वन जर टू, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस माइनस फोर, ये तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा कि साइन अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे सिक्स माइनस सिक्स और डिवाइडेड बाय माइनस ट्वेंटी एट। हमारे पास डिवीजन डिवाइड में यहाँ पे माइनस टेन टोटल आ जाएंगे माइनस टेन। यहाँ तो हो गया माइनस टेन है, अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई टेन माइनस टेन एंड माइनस ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई माइनस टेन। सबसे पहले माइनस माइनस साइन माइनस माइनस साइन खत्म, तो ये ट्वेंटी एट सॉरी व्यूअर्स, तो टू थ्री जो सिक्स और टू फाइव टू फोर्टीन टू फाइव, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा व्यूअर्स थ्री और फाइव एक आ जाएगा और दूसरा हमारे पास आएगा 14 ओवर 5। तो हमारे पास एक्स वाई का आंसर क्या आ रहा है, एक्स का हमारे पास आ जाएगा इस ऊपर वाला एक्स नीचे वाई, एक्स हमारे पास आ रहा है 3 ओवर 5 और वाई हमारे पास आ रहा है 14 ओवर 5। ये हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन सेट। तो बस पार्ट नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, हमने एक्स वाई के आंसर निकाल लिया, एक्स वाई का इधर से आंसर निकला। व्यूअर्स देखिए ऊपर वाला एक्स था, मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉरी बताया नहीं, इसमें बता रहा हूँ, और नीचे वाला वाई, तो हमारे पास ऊपर वाले का जो आंसर होगा वो एक्स होगा, नीचे वाला का जो आएगा वो वाई होगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, वो करते क्रैमर रूल से। तो व्यूअर्स अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास किसके हिसाब से होगा, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल से इसको कर लेते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 4, अब 4 पार्ट में लिख लो तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर देना है, तो करते हैं 3, 5 माइनस 2 माइनस 2 एंड xy इज इक्वल टू माइनस सिक्स और माइनस टेन। तो बस हम इन्वर्जन में क्या करते हैं, इसको ए इसको एक्स और इसको बी कर रहे थे। अब हमारे पास है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले एक पार्ट में बता दिया, दूसरे पार्ट में बता दिया था, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, ए एक्स का डिटरमिनेंट और फिर उसके बाद ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटरमिनेंट, आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए एक्स और वाई का, ए एक्स और ए वाई। अब मैं क्या कहता हूँ कि हम पहले ए डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो ए डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, ए डिटरमिनेंट से निकालना है 3 5 माइनस टू माइनस टू, थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस टू, तो माइनस सिक्स माइनस माइनस टेन, ये तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस सिक्स प्लस टेन हमारे पास आएगा 4, प्लस का 4 आ गया हमारे पास डिटरमिनेंट। अब हमने क्या करना है इसमें, अब सॉरी ए एक्स निकालना है, ए एक्स मैंने आपको कैसे बताया था, कैसे निकालना है कि जो हमारे पास कॉलम है बी का, उसको पुट करना है कॉलम वन में, किसके ए के कॉलम वन में, तो हम पुट कर लेते हैं माइनस सिक्स माइनस टेन हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस टू और माइनस टू, मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सिक्स मल्टीप्लाई माइनस टू
बीच में माइनस का साइन, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 20, 10 टू 20, तो ये हमारे पास आएगा 20 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8। ए वाई निकालते हैं, ए वाई हमारे पास अब 3 5 उसी तरह और कॉलम 2 की जगह बी का कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6, तो माइनस 30 माइनस माइनस 30 जीरो हो जाएगी, ये 30 मतलब कि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस तो इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो आ गया। तो अब हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास आया है माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 और ए वाई हमारे पास आया है 0 डिवाइडेड बाई 4, और अब ये कैंसिलेशन होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2 और यहाँ पे 0, तो एक्स हमारे पास आ गया क्या माइनस 2 और वाई हमारे पास आ गया 0, ये हमारे पास क्या था सोल्यूशन सेट। तो बस आज की वीडियो यहाँ पर होती है एंड, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 4 में हमने ग्रामर रूल से करना था। व्यूअर्स हमारे पास टोटल 8 पार्ट थे, मैंने उसका ये रूल निकाला, ये तरीका निकाल लिया वीडियोज़ के लिए कि हम पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक करते हैं 1 वीडियो में, क्योंकि अगर आगे करूँगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और जो पार्ट आपको चाहिएगा फिर आप सर्च करेंगे आपको वो पार्ट मिल जाएगा, तो इसीलिए मैंने अलग कर दिया पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक और पार्ट 4 से 5 से लेकर पार्ट 8 तक। अगली वीडियो की नेक्स्ट वीडियो वो भी मैं बनाऊंगा लेकिन व्यूअर्स वो यूट्यूब पे अलग चढ़ जाएगी, तो व्यूअर्स यहाँ पे अपलोड अलग हो जाएगी। व्यूअर्स यहाँ पे क्या है कि पार्ट नंबर 4 तक हो गया, पार्ट 1 हमने किया इन्वर्जन से, पार्ट 2 हमने किया ग्रामर से, पार्ट 3 किया फिर इन्वर्जन से, पार्ट 4 किया ग्रामर रूल से। तो उम्मीद करता हूँ दोनों मेथड आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे, दोनों के फॉर्मूले थे बस एक ही है और इन्वर्जन का और दूसरा, तो मैंने करने सारे पार्ट है क्योंकि आपको जो भी पार्ट चाहिए होगा आप सर्च करके आपको मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में पार्ट नंबर 5 से लेकर पार्ट नंबर 8 तक होगा, तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।